अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 जून 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्त, इस वीडियो में दो बड़ी अपडेट को हम देखेंगे। तो दोस्तों दो बड़ी अपडेट क्या है पहले हम आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों लाखों बच्चे नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो पहले दोस्तों उनको एक हम खबर दिखाना चाहते हैं, देखिए प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती संभव है। जी हाँ दोस्तों, जुलाई के बाद बढ़ेंगी भर्तियों की रफ्तार। तो दोस्तों इस अपडेट को जरा ध्यान से देख लीजिए। और एक बात और आपको बता दें, DLED 2019 बैच थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करने की मांग रखी जा रही है। और देखिए DLED प्रशिक्षुओं ने 5000 से ज़्यादा अधिक शिकायत दर्ज कराई। तो गाइस ये अपडेट हम आपके सामने क्यों रख रहे हैं, देखिए इस समय DLED 2018 बैच के, जी हाँ दोस्तों जितने बच्चे भी फेल हैं, जिन बच्चों को रिजल्ट रुका पड़ा है, या 2019 का पूरा बैच, अगर आप नई भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो गाइस आपके लिए प्रमोट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बाकी नहीं तो आप इस खबर को देख लिए होंगे कि नई शिक्षक भर्ती जुलाई के बाद संभव है। तो सिंपल सी बात है, नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको मौका नहीं मिला तो 2-3 साल आप लोग आराम से डीएलएड करते रहिए, फिर कुछ होने वाला नहीं, इस बात को जरा समझ लीजिए। अगर अभी आपको मौका मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग का अगर डीएलएड 2 साल बाद भी कंप्लीट होगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात को समझिए गाइस, जो हमारा संघर्ष है, प्रमोट की मांग है, या तो दोस्तों जल्द से जल्द ये प्रमोट करा दे। परीक्षा तो फिलहाल देखिए जून में तो नहीं हो पाएगी, कोरोना के दोस्तों केसेस अभी इतने भी कम नहीं हो गए। 24 घंटे में भी दोस्तों हमारे देश में 1,26,000 से नए कोरोना के ज़्यादा मामले सामने आए हैं। और देखिए 2,782 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो गाइस कोरोना के केसेस कम जरूर हुए हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक तो हालात सही रहेंगे, लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कम्प्लीट नहीं हुई है। अगर दोस्तों ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस जल्द से जल्द कम्प्लीट नहीं कराएंगे तो फिर वही होगा कि जो हमारा तीसरा राउंड है वो जल्दी आ सकता है, उसके बाद फिर चौथा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये राउंड तब तक आता रहेगा जब तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक और बड़ी अपडेट आ गई, इस अपडेट को भी जरा हम आपके सामने रख देते हैं। यूपी बीएड, यूपी में दोस्तों 2 लाख छात्र छात्राओं को बड़ी राहत, घटी बीएड की फीस। इस सत्र से दोस्तों लागू हो जाएगी नई फीस। तकरीबन दोस्तों इन बच्चों को 11,000 रुपये का फायदा होगा। सोचिए डीएलएड के बच्चे पर ईयर 41,000 रुपये फीस देते हैं, 2 साल के आप लोग भी 82,000 रुपये देते हैं। तो इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए बीएड के लिए भैया कितने ऑफर लग रहे हैं। एक तो बीएड छात्रों को टीजीटी पीजीटी प्राइमरी हर शिक्षक भर्ती में मौका, उसके बाद दोस्तों अब बीएड की फीस भी घट गई है, ऑफर पे ऑफर चल रहा है बीएड में। तो गाइस अब डीएलएड आखिर कोई करेगा क्यों? तो गाइस हर एक अपडेट को हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और इस अपडेट को भी देख लीजिए, प्रस्ताव आया कि विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा 13 अगस्त तक हो जाए और दोस्त इसका जो नतीजा रहेगा 31 अगस्त तक जारी कर दिया जाए। तो क्या दोस्तों डीएलएड का भी पेपर अगस्त तक हो सकता है और क्या रिजल्ट भी अगस्त में आ सकता है? तो गाइस ये बात आपको अच्छे से पता है, डीएलएड का जो प्रोसेस भैया रिजल्ट आने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। बाकी अभी तक, जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे इंतजार में कि डीएलएड स्कूटनिंग रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। 70,000 से ज़्यादा बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में फेल हुए थे, बैक लगी थी, जिनका रिजल्ट दोस्तों बहुत कुछ निर्भर करेगा उस रिजल्ट पर। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रमोट रूल में ये आ गया कि भैया सिर्फ पास वाले बच्चों को ही हम प्रमोट करेंगे तो सारे फेल के बच्चे थर्ड सेमेस्टर का पेपर देंगे। अगर आपकी बैक लगी है, किसी भी कारण से आपकी बैक लग सकती है, अगर आपके रिजल्ट पर फेल लिखा है तो गाइस आपको फिर थर्ड का पेपर देना ही पड़ेगा। तो फेल छात्रों का भविष्य अधर में, डीएलएड छात्रों की एक और जी। जी हाँ दोस्तों, कुछ और बच्चे हैं जो रोज ये इंतजार करते हैं, ये पूछते हैं भाई हम प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले उन बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि क्या वो संघर्ष कर रहे हैं। तो अपडेट एक एक करके आज हम आपके सामने रखते हैं। देखिए दोस्तों इस अपडेट को, डीएलएड प्रशिक्षुओं ने डीएलएड दूसरे और तीसरे सेमेस्टर का परिणाम जारी करने की मांग के लिए 30 मई को प्रदेश सरकार के IGRS पर 5,000 शिक्षकों ने, मतलब 5,000 शिकायतें दर्ज कराई गई। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के दोस्तों रविकांत द्विवेदी, बाकी बच्चों के नाम है, ठीक है, ने सभी प्रशिक्षुओं से 2-3 सेमेस्टर स्कूटनी रिजल्ट व तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के संबंध में IGRS पर शिकायत दर्ज करवाने की अपील सभी प्रशिक्षुओं से की थी। तो दोस्तों ये पूरा मैटर है। तो गाइस अगर आप हर जगह संघर्ष करेंगे तभी हमारी जीत हो सकती है। बाकी आप देखिए इस अपडेट को, डीएलएड 2019 थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं ने प्रोन्नत की मांग की है। 30 मई को IGRS पर पूरे प्रदेश से 5,000 से अधिक शिकायत दर्ज कराई गई।
तो दोस्तों आप ये अपडेट को देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली अपडेट, जुलाई के बाद बढ़ेंगी भर्तियों की रफ्तार, प्रदेश के 200 लाखों प्रतियोगियों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। पंचायत चुनाव और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से जिन भर्तियों को टाला गया था उनकी 200 तारीखें जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है। वही प्राथमिक शिक्षकों व अन्य भर्ती का ऐलान भी दोस्तों हो सकता है, क्योंकि यूपी टेट कराने पर मुहर लग चुकी है। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की दोस्तों टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा तारीखों का निर्धारण होगा। परीक्षा संस्था का दावा है कि वह इस पर मंथन कर रही है। तो गाइस इस अपडेट को देख के आपको बात समझ में आ रहा होगा कि भैया ठीक है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। अगर गाइस आप लगे रहेंगे, देखिए याद रखिएगा, फिर से वही बात कर रहे हैं, अगर आप एक फेल स्टूडेंट हैं या दोस्तों आप 2019 बैच के छात्र हैं, अगर आपको प्रमोट या आपका दोस्तों 4 सेमेस्टर का रिजल्ट नई शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन से पहले नहीं आया, ठीक है, सुपर टेट आवेदन से पहले नहीं आया, तो फिर गाइस आपके लगभग 2 से 3 साल बर्बाद होंगे। हर साल वैकेंसी नहीं आती है, इसको लिख लीजिएगा कॉपी पर कि हर साल वैकेंसी नहीं आती। 69,000 भर्ती का जो विज्ञापन दोस्तों आया था वो दोस्तों दिसंबर 2018 में ही आ गया था। 2019 में कोई भी दोस्तों नई शिक्षक भर्ती नहीं आई, ठीक है। 2020 में भी कोई नई भर्ती नहीं आई प्राइमरी लेवल की। 2021 में दोस्तों आने के आसार हैं। इसका रीजन क्या है कि 2022 में यूपी में चुनाव होगा और चुनाव के दोस्तों कुछ महीने पहले आचार संहिता लागू कर दी जाती है। तो अगर आचार संहिता से पहले विज्ञापन आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो फिर जब अगली सरकार आएगी तभी दोस्तों उसका प्रोसेस शुरू किया जाएगा। तो आपको ये बात पता है कि भैया जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है, यूपी में 2022 में, तो हर राज्य में अलग अलग चुनाव होता है, तो उस समय आप देखते होंगे कि भर्ती या बम्पर भर्तियां निकाली जाती हैं। जी हाँ, तो उस तो साल भर से भैया सारे पोस्ट को गिना जाता है, फिर उसका लेखा जोखा होता है और अच्छी खासी वैकेंसियाँ आती है। तो गाइस ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है, अगर आपको मौका मिला तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अपनी सीटें ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ का मतलब ये है कि 2019 बैच के कुछ बच्चे अपनी सीटें ले जाएंगे, 2018 बैच के अलग, 2017 बैच के अलग, बाकी दोस्त इधर बीएड वाले अलग बच्चे हैं। बीएड में तो भैया बम्पर ऑफर चल रहा है, फीस भी कम कर दी गई है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। इस अपडेट को जरा देख लीजिए, सीधे लास्ट लाइन आपको बता देते हैं। अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर से पूर्व की कक्षाओं के छात्रों को बिना परीक्षा कराए पूर्णत किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बाकी बच्चों के लिए क्या कहा गया कि भैया ये 31 अगस्त तक, ठीक, उससे पहले पेपर कराकर 31 अगस्त फाइनल डेट है, तब तक ये रिजल्ट घोषित करेंगे। तो दोस्त इनकी तैयारियां तो बढ़िया है, उम्मीद करते हैं कि ये कर भी देंगे। लेकिन दोस्तों पीएनपी की तैयारी आप देख रहे होंगे, अभी तक स्कूटनी का रिजल्ट नहीं है। डीएलएड छात्रों के साथ ना इंसाफी, जी हाँ दोस्तों, एक तो ये फीस कम नहीं कर रहे हैं, बीएड वाले तो फीस भी कम कर दिए। चलिए अपडेट पहले हम आपको दिखा देते हैं कि अपडेट क्या है। देखिए, कोरोना संकट से जूझ रहे अभिभावकों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने सत्र 2021-22 से बीएड की फीस घटा दी है। बीते सत्रों के सापेक्ष आगामी सत्र में छात्रों को 2 वर्षीय बीएड में 11,250 रुपए की कम फीस चुकानी पड़ेगी। मतलब सोचिए दोस्तों, बच्चों को सीधे तौर पर 2 साल में 11,250 रुपए का फायदा होगा, ठीक है, इतना तो बहुत होता है। एक अच्छा खासा स्मार्टफोन आपको मिल सकता है जिससे आप एक अच्छी खासी तैयारी कर पाएंगे। 12वीं की परीक्षा में दोस्तों पहले में पूछे जाएंगे 50% प्रश्न, ऐसा हो सकता है पेपर का पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, इसके पेपर पैटर्न की बातें हो रही है। विशेषज्ञ शिक्षकों की कमेटी ने पेपर पैटर्न तैयार किया है, इसके अनुसार ही पेपर सेट कराए जाएंगे। अमीनाबाद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य साहब लाल मित्र बताते हैं कि भौतिकी विज्ञान में 4 खंडों में कुल 34 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 अंक वाले 212 प्रश्न, 2 अंक वाले 5, 3 अंक वाले 10 और 5 अंक वाले 7 प्रश्न करने होते हैं, हल करने होते हैं। लेकिन अब 200-150 घंटे की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 17 हो सकती है। सीधे दोस्तों आधा कर दिया जाएगा पेपर पैटर्न को। उसके बाद एक और अपडेट आई थी कि कैबिनेट से आई थी कि निराश्रित बच्चों को हर माह 4,000 रुपये देगी सरकार, साथ ही निःशुल्क लैपटॉप व टैबलेट। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है, ये बात कैबिनेट तक पहुंच गई है और इस पर मुहर लग रही। तो मतलब एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि कम से कम जो बच्चे या जिन बच्चों के माता पिता या माता पिता में से कोई भी एक की जान गई है कोरोना से, जो भैया कमाते थे, उनको ये फायदा मिलेगा। 69,000 भर्ती, जी हाँ दोस्तों, आपके सीनियर छात्र शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पीपीई किट पहनकर करेंगे प्रदर्शन, आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के छात्र हैं तो इस बात को जरा आप ध्यान से सुन लीजिए। बाकी ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत आने वाले भैया, ठीक है, आपने देखा था ना, शिक्षा मंत्री के भाई को नौकरी मिल गई थी, भले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कब दिया, जब मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, समझ लीजिए इस बात को। अगर गाइस आप आरक्षण के तहत आते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, ये मत सोचिए कि भैया हम तो जनरल वाले, हमको कौन सा आरक्षण मिलेगा, गलत मत करिए, भूल मत करिए, 10% आरक्षण आपके लिए भी आ गया है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ठीक है। तो गाइस
जहां पर भी आपको मिले आरक्षण का मौका भैया इसका फायदा उठा लीजिए। अपडेट क्या है, प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन मीटिंग करके आरक्षण की गड़बड़ी के बारे में चर्चा की। अभ्यर्थियों का कहना है कि दोस्त यदि प्रदेश सरकार ने जल्द जांच करवाकर चयन से बाहर हो गए पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी तो अभ्यर्थी पीपीई किट पहनकर शिक्षा मंत्री के आवास एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन करेंगे। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों ने ट्विटर सहित सभी ऑनलाइन माध्यमों से आवाज उठाएंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े अभ्यर्थियों के लगभग 6,000 पदों पर घोटाला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 6,000 पद, आप समझ रहे कितनी बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या है। तो आपको अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, याद रखिएगा इस, ठीक है ना, आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे, नहीं बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, तृतीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख पर बातें चल रही हैं, जो भी अपडेट्स होगी आपको दे देंगे। और वीडियो के अंत में फिर से बोल दें, अभी तक दोस्तों आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया गया है, पूरी वीडियो को देखा करिए, ठीक है। अभी दोस्तों बातें हो रही हैं, बच्चों ने अपने भैया जो शिकायत थी वो IGRS ऐप पर दर्ज भी कराई है, देखते हैं अब क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर IGRS, तो लगे रहिए गाइस, आप लोग अपना संघर्ष करिए। बाकी कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ करते ही नहीं है सोशल मीडिया तक, ये काम कुछ बच्चे तो इतना नहीं कर पाते कि भैया वीडियो को शेयर कर दे अपने डीएलएड प्रशिक्षकों के साथ। जी हाँ दोस्तों, कि क्या चल रहा है डीएलएड में, याद रखिए नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे तो 2-3 साल बैठे रहेंगे, फिर वही होगा जैसे डीएलएड 2017 बैच के बच्चे कब से धरना कर रहे हैं। और क्या बच्चे डिमांड कर रहे हैं आपको पता है कि नहीं, बता दें। बच्चों का दोस्त ये कहना है सीनियर छात्रों का, भैया अब सीधे सुपर टेट का पेपर कराओ, हमें यूपी टेट नहीं चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इन्होंने टेट की परीक्षा पास नहीं की तो सीधे बाहर हो जाएंगे। तो गाइस सभी बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बच्चे टेट पास है वो चाहते हैं कि सुपर टेट सीधे आए, जो बच्चे टेट नहीं पास है वो चाहते हैं पहले यूपी टेट आए फिर सुपर टेट आए, ठीक है। सबकी अपनी अपनी बातें रखी जा रही है सोशल मीडिया पर, जिसकी बात एक्सेप्ट हो गई वैसा होगा काम। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।